है 7:45। आज का डेट है, कितना डेट है, 6 जून, सॉरी मैं भूल गया था। सो आज है 6 जून। आज हम निकल रहे हैं जयपुर से आगे, लेकिन उसके पहले वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ अतुल चव्हाण, और आप देख रहे हैं हमारा मुंबई टू लेह सीरीज़ डे 3। सो जयपुर से आगे हम निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि सिर्फ चंडीगढ़ में रुकना है या उसके आगे जाना है, तो वो हम अम्बाला पहुँच के डिसाइड करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आज का ब्रेकफास्ट हमारा होगा रूम पे ही, जो है मस्त पनीर के पराठे और ऑब्वियसली टोटल फिटनेस विद अतुल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो देखिए जी अभी बज रहे लगभग 12। हम लोग कोटपुतली नाम के गांव के, शहर के, जो भी हो, गलती माफ़, उसके जस्ट 15 किलोमीटर पहले है। नेविल को थोड़ा सा धूप के वजह से तकलीफ़ हो रहा था, तो हम लोगों ने ब्रेक लिया है, थोड़ा हाइड्रेशन कर लेंगे। आगे से कोटपुतली से हमें लेफ़्ट मारना है अम्बाला के लिए, तो उसके बाद अभी इसके बाद थोड़ी देर में निकलेंगे और मिलते हैं आपको जल्दी। हाँ जी, तो हरियाणा में आपका स्वागत है, और हम हैं चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे पे, बहुत ही मक्खन रोड है अभी हम। अभी हम रुके हैं महेंद्रगढ़ के यहाँ पे, क्योंकि ये हाईवे पे खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे कहीं गांव दिखे तो आप लोकल स्टॉल्स में कुछ खा सकते हो। तो हम खाने वाले हैं, ये देख रहे हो, फालूदा, और कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये दोस्त मिले हैं हमें महेंद्रगढ़ में, तो इनको कहते बाय बाय, और हम बढ़ते हैं आगे अम्बाला की तरफ। जैसे कि मैंने सुबह कहा था कि हम अम्बाला पहुँच कर डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है, तो लगभग अभी 4 घंटा तो लगेगा अम्बाला पहुँचने के लिए, और हम श्योर नहीं है क्या करना है, तो मोस्टली वहाँ पे स्टे करेंगे। और यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो रही है, छींटे गिर रहे हैं पानी के, तो देखते हैं। क्रॉस विंड बहुत है, तो हेलमेट में विंड नॉइज बहुत आने वाला है, तो आप तब तक एंजॉय कीजिए ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस। बारिश का प्रेशर थोड़ा बढ़ता हुआ, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग आर हियर। आगे हमें थोड़े हल्के फुल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं, और लास्ट लेन पकड़ेंगे और चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। A few moments later. So, दोस्तों हम हैं लगभग 98-95 किलोमीटर somewhat बिफोर अम्बाला, तो और हमें थोड़ा नींद आ रहा था, भूख लग रही थी, खाना ठीक से खाया नहीं है, तो हमने ये रेस्ट एरिया में रेस्ट लिया है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से आर्टवर्क बनाया गया है, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव फ्यूचर, एंड यहाँ आगे भी। तो आगे का मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क बनाया गया है, और हम लोग रुके हैं यहाँ पे, तो अभी चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है शूरी एंड मोआना, ये है हमारी सुर की वाली चाय, और ये है हमारे नेविल सर। चाय कैसी लग रही है सर, एक सिप तो लिए, वापस वापस बताइए। हाँ हाँ, अंग्रेज की औलाद, अमेरिका का दलाल। लो भाई, हो गया कुछ तो कांड, हमारा शूरी का हॉर्न नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले डॉग्स बीच में आए थे हाईवे के, एंड मैंने बहुत ज़ोर से हॉर्न मारा था। मैं चेक करता हूँ, मैं फिक्स कर सकता हूँ क्या, मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। अपडेट है आपके लिए, हॉर्न लोकेट हो चुका है, कहाँ पे है करके। सो मैं लेकिन अभी फिक्स नहीं करूँगा, बिकॉज उसके लिए मुझे राइट साइड का बॉडी पैनल वगैरह खोलना पड़ेगा,
तो मैं अभी सिर्फ मेरा एक माइनर इशू है जिसके लिए मैं सर्विस सेंटर नहीं जाने वाला, हेडलाइट का एडजस्टमेंट करना है और मेरा ये वाले लाइट का एडजस्टमेंट करना है। तो दोनों का फोकस एडजस्ट करके मैं आपको मिलता हूँ अम्बाला में। वेलकम टू पंजाब। हम आ चुके हैं हमारे आज के स्टे के यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि कितना सुहाना एकदम से एनवायरनमेंट है। वाइब अलग है, थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमारी मोआना और शूरी दोनों अभी यहाँ पे अनलोड होंगी, रेस्ट करेंगी। मुझे थोड़ा काम है वो मैं करूँगा। एंड हम हैं होटल करतार, जो हम लोग चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से आने के बाद लेफ्ट लेते हैं वो वाले हाईवे पे लगता है। बहुत सारे ढाबे जाने के बाद ये होटल दिखेगा, बहुत ही अच्छा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर स्टे करें यहाँ पे। हाँ जी, तो होटल में चेक इन हो गया है, अभी सॉल्व करते हैं हमारे शूरी के साथ जो हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो। सबसे पहले तो हमें हेडलाइट का हाइट एडजस्ट करना है, बिकॉज वो पता नहीं कहाँ पे चांद पे एम हो रहा है। ऑब्वियस है, बिकॉज हमने बहुत सारा सामान जो लोड किया है बाइक पे, तो गाड़ी का हेडलाइट का एंगल तो चेंज होगा ही होगा। एंड दूसरा है हॉर्न जो बज नहीं रहा है, तो मैं सब करता हूँ सेट और आपको मैं अपडेट देता हूँ। हाँ जी, तो आपके दोस्त ने इशू सॉल्व कर दिया है। मैं खुद को ऐसे बैटमैन नहीं बोलता, तो मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले सीट निकालना है, टूल किट निकालना है, यहाँ का बोल्ट निकालना है, देन यहाँ का बोल्ट निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपका साइड पैनल निकल के आ जाएगा। उसके बाद 12 नंबर का पाना लेना है, आपका हॉर्न जो कि यहाँ कहीं पे माउंटेड है, वहाँ से मैंने निकाला, सिर्फ ये वाला जो है ये वाला नट है वो 12 नंबर के पाने से खोला। फिर मुझे KTM अंधेरी ने, वहाँ के नईम भाई है, उन्होंने मुझे मदद की। तो यहाँ पे सीधा स्क्रू ड्राइवर डाल के हॉर्न एडजस्ट करना है। और अब ये है रिजल्ट, तो इशू सॉल्व है। अभी दूसरा इशू सॉल्व कर लेंगे। चलो, सारा इशू सॉल्व है। और दूसरा इशू था मेरा हेडलाइट का अलाइनमेंट, जो कि बहुत ही ऊपर जा रहा था। सिंपल सा स्क्रू है हेडलाइट के बाजू में, अगर राइट साइड में टर्न करो तो वो नीचे आता है, लेफ्ट साइड में टर्न करो तो ऊपर जाता है। जबकि बाइक का चेसिस ऐसे रहता है, इट्स लाइक दिस, आप जब सामान लोड करते हो तो वो ऐसे जाता है, तो उसके वजह से मेरा हेडलाइट पूरा ऊपर जा रहा था। तो वो भी फिक्स कर दिया। नाउ वी आर ऑल रेडी टू रेस्ट, ईट एंड स्लीप। सो सी यू एट द डिनर टेबल, बाय। तो दोस्तों, खाना आ चुका है, हाफ चिकन कढ़ाई। साइज देख रहे हो मेरा हाथ, देखो कंपैरिजन के लिए, ये हाफ चिकन हंडी है, चिकन कढ़ाई है सॉरी। और पंजाब की स्पेशल दाल मखनी, और अभी आई है तवे की रोटी, ये सर हमारे लिए लेके आए। सर जी हाथ हिला दीजिए, जरा नमस्ते करिए लोगों को। नहीं, भाव नहीं दिया मेरे को, गजब बेइज्जती है। कैसा लग रहा है खाना देख के? खत्म करना है ना? चलो फिर शुरू कर दे, आइए देखते हैं मजा आएगा। खाने के बाद आया डेजर्ट, ये है एक मस्त सा लस्सी का ग्लास, ग्लास के पीछे छुपे है नेविल स्टोरीज। तो लीजिए जरा, पहला सिप लीजिए, रिव्यू देखना है हमें। तान के सोने वाले आज। तो आज का दिन करते हैं यहीं पे खत्म। मैं जस्ट बेड पे बैठा हूँ, नेविल भी अभी सो रहा है, तो आपका ख्याल रखिए। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइए। एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो, एंड डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। बाय।